सो हेलो क्रिकेट लवर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, इंदौर में खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे मैच में आज टीम इंडिया का प्रदर्शन काफ़ी निराशाजनक रहा और पुजारा को छोड़कर टीम के सभी खिलाड़ियों ने अपने खेल से सभी को निराश किया। क्या कुछ हुआ आज इंदौर मैदान पे, आज की इस क्रिकेट अपडेट में आपको देंगे पूरी जानकारी। पर उससे पहले, अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की हमारी क्रिकेट अपडेट्स आपको रेगुलर मिलती रहे। इंदौर टेस्ट के तीसरे दिन आज 156 रन पे 4 विकेट से आगे खेलने उतरी ऑस्ट्रेलियन टीम स्कोर कार्ड पर बड़ा स्कोर नहीं कर पाई और महज 197 रन पर ऑल आउट हो गई। भारतीय गेंदबाजों की लगातार लाइन लेंथ पर की गई कसी बॉलिंग को देखकर दर्शक मुस्कुरा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि नागपुर और दिल्ली की तर्ज पर भारत को इस टेस्ट में भी एक बार फिर सफलता मिलेगी। भारत की तरफ से तीसरे दिन रविचंद्रन अश्विन ने 20.3 ओवर में 44 रन देकर 3 कंगारू बल्लेबाजों को वापस पवेलियन भेजा, जबकि दूसरे छोर से शमी की जगह खेल रहे तेज गेंदबाज उमेश यादव ने अपने 5 ओवर के स्पेल में 12 रन पर 3 विकेट झटके। ऑस्ट्रेलिया के 197 रन पर आउट होने के बाद बारी भारतीय टीम की थी, पर उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से होलकर स्टेडियम में बैठे दर्शकों के साथ ही पूरी इंडिया को शर्मसार कर दिया। ऐसा लग रहा था कि ये मैच इंडिया में नहीं बल्कि कहीं और खेला जा रहा है। भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर टिक कर नहीं खेला। भारतीय बैट्समैन एक एक कर आ रहे थे और अपने विकेट लौटाकर पवेलियन लौट रहे थे, जैसे ऐसी कंडीशन में वो पहली बार खेल रहे हों। नाथन लियोन की गेंद भारतीय बल्लेबाजों के लिए ऐसी अनसुलझी पहली बनी जिसे सुलझाते सुलझाते पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में 163 रन पर आउट हो गई। लियोन ने अपने 23.3 ओवर में 64 रन देकर अकेले 8 भारतीय बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। रोहित शर्मा 12 रन, शुभमन गिल 5 रन, विराट कोहली 13 रन, रविंद्र जडेजा 7 रन, श्रेयस अय्यर 26 रन। जब टॉप ऑर्डर का ये हाल है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोअर ऑर्डर बैट्समैन ने क्या किया होगा। भारत की इस इनिंग्स में बस पुजारा ही थे जिन्होंने 59 रन बनाकर कुछ लाज बचाई, नहीं तो स्कोर कार्ड का नज़ारा इससे भी बदतर होता। अब इस टेस्ट को जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया को 76 रन की ज़रूरत है, जिससे तय है कि तीसरे टेस्ट में अब कोई चमत्कार ही भारतीय टीम को बचा सकती है। इससे पहले पहली इनिंग्स में भी भारतीय टीम 10 विकेट पर 109 रन ही बना पाई थी। जडेजा, अश्विन और उमेश यादव ने अपनी बॉलिंग से जीत की जो उम्मीद जगाई थी उस पर भारतीय बल्लेबाजों ने आज पूरी तरह पानी फेर दिया। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के इंदौर टेस्ट पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी एक और क्रिकेट अपडेट के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।